मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार शाम श्रीनगर से रायपुर लौट आए। वो भारत छोड़ो यात्रा के समापन रैली में शामिल होने गए थे। रायपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्रीय बजट के बहाने केंद्र सरकार और एक कारोबारी घराने के कथित रिश्तों पर जो है तंज कसा है। उन्होंने कहा, अभी तक लगातार ट्रेनें रद्द हो रही है, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, अब तो कुछ दिन थम ही जाएगा जब सब कुछ बंद हो जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ में सारी ट्रेनें बंद कर दी गई, नई ट्रेन जगदलपुर के लिए हो, यहाँ लोगों की ये डिमांड है, इसके लिए आंदोलन भी हुए। उसी प्रकार से सरगुजा साइड भी ट्रेनों की वहाँ पर डिमांड है। राहुल जी की पदयात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक असंभव सा काम, जो सब लोग सोच रहे थे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जिस दिन घोषणा हुई थी और जब पदयात्रा शुरू किए तब से ये चर्चाएं थी, और जैसे जैसे उनकी पदयात्रा आगे बढ़ती गई, लोग उससे जुड़ते गए, किसान, मजदूर, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, बच्चे, सारे लोग जुड़े, सभी वर्ग के लोग उससे जुड़ते गए।